हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे फ्रूट सैलेड। ये बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होता है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, खुद के लिए भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी एंड अच्छा होता है। चलिए मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या ली हूँ। ये देखिए, मैं आधा खीरा इसे अच्छे से धो के रखी हूँ, और ये मौसमी, इसका मैं छिलका चारों तरफ से निकाल दी हूँ। एक सेब जिसका मैं छिलका निकाल के रखी हूँ, और ये 5-6 बादाम, ये देखिए, ये मूंगफली भिगोई हुई, और ये स्प्राउट, मूंग का स्प्राउट है, और 2 मैं क्यूबी ली हूँ, और ये पपीता। आपको जो फ्रूट पसंद है आप ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं धो के अच्छे से काट ली हूँ। यहाँ एक चीज़ ली हूँ, आपको चाहिए तो इसके साथ मिक्स करके खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। चलिए पहले इन सारी चीज़ों को काटते हैं। ये देखिए खीरा, इसका आप छिलका निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। ये पतला वाला है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। और इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। सारे फ्रूट्स को हम ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए एप्पल को भी हम ऐसे छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे। इसे बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं, और बड़े तो खाते ही हैं। ये अच्छा है सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में, शाम के टाइम भी, रात के डिनर में भी खाने से बहुत अच्छा रहता है। ये खा सकते हैं इसको। आप लोगों को जो फ्रूट इसमें से पसंद हो ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी डालना चाहें, और कोई फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी हो, तो आप डाल के इसे अच्छे से बना के एंजॉय कर सकती है। देखिए ये हमारा पपाया आ गया, यानी पपीता है। इसे भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। अभी ये हमारा बचा क्यूवी, इसे भी हम ऐसे काट लेंगे अच्छे से, और सब काट के एक साथ मिक्स कर देंगे। हमारा फ्रूट सैलेड बनके रेडी हो जाएगा। ये मौसमी आप चाहें तो इसमें आप लोग मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से भी काट के रख सकते हैं, बट मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए ये मौसमी भी हमारा गया, और ये हम आखिरी में थोड़ा धनिया, और एक में ग्रीन चिली, यानी एक हरी मिर्च ली हूँ, क्योंकि तो ज़्यादा इसे स्पाइसी नहीं बनाना है, पर आप लोगों को और स्पाइसी चाहिए तो बना सकते हैं। मैं इतना ही बनाऊँगी कि थोड़ा इसमें खट्टा मीठा, थोड़ा ये स्पाइसी हो जाएगा। ये देखिए सबको हम इस बाउल में ट्रांसफर किए। अब ये हमारा रहा स्प्राउट, ये मूंगफली भिगोई हुई, और ये 5-6 बादाम। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर ब्लैक पेपर, थोड़ा पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, थोड़ा वाइट वाला नमक, और इसमें चाट मसाला। यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें मैं सरसों का तेल नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही बनाना है। इसमें ऑलिव ऑयल ही अच्छा लगेगा, सरसों का तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग डाल सकते हैं, बट मैं इसमें नहीं डालूंगी, और इसे अच्छे से अब मिक्स करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और ये हमारा फ्रूट सैलेड विथ पीनट्स, आलमंड्स, स्प्राउट सैलेड हमारा बन के रेडी है। इसे आप खुद भी घर में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स, हस्बैंड के लंच बॉक्स, सब में दे सकते हैं। ये देखिए
कितना टेस्टी है, नेमी दिख रहा है। आप लोग एक बार इसे बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी और अच्छा लगेगा और ये हेल्दी भी है। और आप लोग बताइएगा बना के खा के कि कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।